मानी चाहिए उन लोगों ने जिन्होंने 10 साल लगाया इलेक्शन। हम जमहूरी निज़ाम हर 5 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए, ये तो शर्म आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से उनको इलेक्शन करने पड़े। मैम अभी आपने कहा कि बाहर 2 महीने लगाए आपके साथ सरकार बनाने के लिए, क्या वो आए थे, उन्होंने खुद अनकंडीशनल बोला था बीजेपी? चलिए वो पिछले आपने मेरी तकरीर सुनी अच्छी तरह से, चलिए उमर अब्दुल्ला का कहना है कि राम माधव को भेजा गया पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, यहाँ राम माधव को भेजा गया पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से, आपको मालूम नहीं है हमारा एजेंडा उसमें शर्तें थी ना, बिल्कुल तो शर्तों पे बीजेपी ने के हमारी शर्तें मानने के बाद ही हमने सरकार बनाई ना, बिला शर्तो शुरू नहीं बनाई, जैसे देवेंद्र रैना साहब कहते हैं अमर साहब बिला शर्तो शुरू सरकार बनाने के लिए तैयार थे, मगर अमित शाह जी नहीं माने। और जहां तक पीडीपी का सवाल है, हमें पहले 2 महीने उसके बाद 3 महीने लगे और हमने अपनी शर्तों पे ये सरकार बनाई। मैं अमर अब्दुल्ला साहब का कहना है कि राम माधव को पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से गठबंधन करने के लिए भेजा गया है। मैम राम माधव के लिए सवाल कहा कि पीपल डेमोक्रेटिक मैम, जैसे बीजेपी जो है वो कहती है कि यहाँ अरे एक बार पूछ जनशक्ति पीडीपी सरदार जी सरदार हरमीत सिंह जी और मैडम सुरजीत कौर जी श्री अनिल सेठी साहब और ताकि जल्द से भी कार्रवाई जो है वो शुरू की जा सके, इंतजाम मैडम जी पहुंच चुके हैं, उनका गर्मजोशी से जो है वो वर्कर जो है उनका उनको वेलकम कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, आप भी तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैडम जी तशरीफ फरमा हो चुकी है, हम दिल की अमीर गहराइयों से ठीक है। मैडम महबूबा मुफ्ती जी पीडीपी मोर कितने लाने है तो साड़ो जी साड़ो यार विजुअल से बना दियो शॉर्ट में थोड़ी यार शॉर्ट में ना दे यार करेंगे सिंगार विंदर सिंह जी सुनो मैडम महबूबा मुफ्ती जी पीडीपी मैडम महबूबा मुफ्ती जी